हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे यारों। और भाई लोग कैसे हो? सब बढ़िया। सो दोस्तों, वीवो एकदम धाकड़ स्मार्टफोन निकालने वाला है। उसका नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में वो है हमारा वीवो X30। काफी हद तक भाई इतना बढ़िया स्मार्टफोन निकालने वाला है, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है 5G वाला डिवाइस होने वाला है। सो काफी धाकड़ स्मार्टफोन और उससे भी ज्यादा जो यूनिक बनने वाला है वीवो के लिए, क्योंकि वीवो जब भी उसका कोई ना कोई स्मार्टफोन निकालता है वो हर वक्त कुछ ना कुछ यूनिक एंड डिफरेंट चीज ही ट्राई करता है। और इस बार भी जो ये ट्राई किया है वो भी मतलब ये डिवाइस तो फिलहाल अपकमिंग है, सो दिसंबर को ये लॉन्च होने वाला है, फिर भी ये जो स्मार्टफोन है काफी धक्कड़ है, क्योंकि इसका जो पहला चीज है जो हमारा वीवो X30 वाला जो अपकमिंग स्मार्टफोन है, सबसे पहले तो इसका जो चिपसेट इस बार दिया जा रहा है वो एक्सनोस का दिया जा रहा है 980। सो पहली बार ये सैमसंग के शायद उसका कोलैब बन गया है। सो ये सैमसंग का चिपसेट यूज कर रहा है, वो भी एक्सनोस का 980 और 5G मॉडेम लग रहा है। मतलब फोन देख रहे हो 5G लेवल तक जा रहा है फोन, वो भी सैमसंग के साथ कोलैब करके। मतलब वीवो भाई जहां वो स्नैपड्रैगन भी दे सकता था, बट चलो वो सैमसंग के साथ कोलैब करके आगे बढ़ रहा है। मतलब वीवो हर एक फील्ड में ना कुछ अलग ही लेता है, जैसे उसका नेक्स हो या वीवो उसका जैसे पहले लाया था फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन अनलॉक विथ इन ए फ्लैश। मतलब वो हर एक बार उसका हर एक स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ यूनिक ही वो ट्राई करता है। वही मुझे वीवो का अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका हर एक फोन में वो जब भी कुछ ना कुछ लाता है कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा ही, उसका हर एक स्मार्टफोन में चेंजेस होता ही है। तो वीवो X30 भी काफी हद तक बढ़िया स्मार्टफोन है, हमारा सैमसंग के साथ कोलैब किया एक्सनोस 980 वाला, उसमें चिपसेट दिया हुआ है। सो इसमें जो 5G स्पीड जो बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है 3.55 GB पर सेकेंड में ये चलने वाला है। क्या करें भाई, हम तो इंडियन से, हमारे यहाँ पर तो 4G का भी स्पीड 1G फिलहाल नहीं चल रहा है, और 5G आने से देखते हैं 5G का स्पीड कितना मिलता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वेट किस बात का भाई, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और वो जो रेड बटन है उसे दबा दबा के ग्रे कलर कर दो। एंड आप जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आप मेरे एक मेंबर बन जाओगे। सो बात कर लेते हैं वीवो X30 जो काफी धाकड़ स्मार्टफोन है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया जा रहा है, 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले दिया जा रहा है भाई, सो काफी बढ़िया है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया जा रहा है, 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। फोन का जो बैटरी है वो भी धाकड़ बैटरी दिया गया है भाई, 4500 mAh का बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग ऑप्शन, 30W का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में बात करें तो 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट के साथ आने वाला है। एंड कैमरा जो इसका रियर में हमें मिलने वाला है, चार कैमराज भाई, क्वाड कैमराज वाला स्मार्टफोन होने वाला है। एंड जो कैमरा भी है वो 48 भी नहीं दे रहा है, अदरवाइज हमारा उससे भी कम नहीं दे रहा है, पूरा ट्रेंडिंग कैमरास दे रहा है, जो कि है हमारा 64 मेगापिक्सल। तो पीछे जो चार कैमरास दिया हुआ है वो है हमारा 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सो मेनली हमारा जो चार कैमरास होता है वो तो एक हमारा काम देता है प्राइमरी कैमरा होता है, नेक्स्ट तो अल्ट्रा वाइड के लिए काम में आता है, नेक्स्ट मैक्रो शॉट के लिए आता है, और एक जो कैमरा है हमारा डेप्थ सेंसर के लिए काम में आता है। सो यही है चार कैमरास का इंपॉर्टेंस ही। एंड जो प्राइमरी कैमरा इसका दिया हुआ है वो है 64 मेगापिक्सल दिया गया है। सो काफी धाकड़ है भाई फोन। एंड जो फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिलेगा वो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो बढ़िया सेल्फी आप शॉट्स ले सकते हो वीवो X30 से। सो भाई वीवो का ये X30, सिर्फ ये X30 नहीं लॉन्च होने वाला है भाई, उसका हर एक स्मार्टफोन का भी एक ट्रेंड बन गया है कि प्रो वेरिएंट आता है। सो बिना प्रो वेरिएंट का तो स्मार्टफोन अभी फिलहाल ऐसे ही लगता है, कोई भी एक डिवाइस देख लो, हर एक डिवाइस का जो कोई भी एक सीरीज हो उसका प्रो वेरिएंट ही रहता है, प्रो वेरिएंट के बिना पूरा खाली खाली सा लगता है ये। उसी तरह वीवो X30 का भी प्रो वेरिएंट है, काफी धाकड़ है, उसमें ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है, कुछ माइनर चेंजेस है, वो है हमारा डिस्प्ले में 6.89 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड डिस्प्ले 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले दिया जा रहा है, काफी बढ़िया है। बट बैटरी के मामले में वही सेम है,
4500 mAh यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है mAh बैटरी, बट जो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है वो यहाँ पर अलग है। हमें यहाँ पर 44 वाट का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है, काफी धाकड़ है भाई। एंड कैमरा के बारे में बात करें तो जो एक्स प्रो वाला वेरियंट है, हमारा जो प्रो वेरियंट है, जो सेल्फी स्नैपर है, वहां पर हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल कैमरा। एंड रियर के बारे में बात करते हैं, यहां पर भी रियर में हमें चार चार कैमरास मिल रहा है भाई, क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। बट जो यहाँ पर जो कैमरा का मेगापिक्सल रेजोल्यूशन दिया गया है तो वो है हमारा 60 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल वाला दिया गया है कैमरा लेंस, एंड एक 60 मेगापिक्सल एंड अनदर जो दिया गया है वो है 12 मेगापिक्सल का दिया गया है। सो ये हमारा एक्स प्रो वाला वेरिएंट में दिया गया है 2 13 मेगापिक्सल एंड एक 12 मेगापिक्सल एंड 60 मेगापिक्सल। सो फोन काफी धाकड़ है X30 प्रो क्योंकि ये हमारा 5G वाला स्मार्टफोन है वीवो के तरफ से, एंड इसमें हमारा सैमसंग के साथ कोलैब कर दिया गया है। एक्सनोस 980 वाला जो प्रोसेसर इसमें लगा है, सो काफी धक्कड़ स्मार्टफोन है। सो फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। कल मैं मिलता हूं आपको विद अनदर न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय मेरे यारों।